प्रकार पारंपरिक ग्रंथों में योग के अनेकों प्रकारों का वर्णन है, जिसमें प्रमुख रूप से कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग, चार योगों की विस्तृत चर्चा प्राप्त होती है। जो यह मनुष्य है, यह चेतना और तीन शक्तियों का समूह है। इस मनुष्य में जानने की शक्ति, मानने की शक्ति और करने की शक्ति निहित है। जो कर्मयोग है, वह व्यक्ति के करने की जो शक्ति उसमें निहित है, उस शक्ति के विकास व प्रबंधन की विधि है। जो ज्ञान योग है, वो व्यक्ति के जानने की शक्ति का प्रबंधन और उसके विकास की विधि है। भक्ति योग है, वो व्यक्ति के मानने के जो शक्ति है, उसके विकास और प्रबंधन की विधि है। ध्यान योग व्यक्ति की स्वयं से स्वयं की यात्रा है, अर्थात अपनी मूल चेतना का अनुभव या मूल चेतना से जुड़ने की प्रक्रिया या विधि है। चारों योग को अगर एक वाक्य में हम समझने का प्रयास करें तो कर्म योग कहता है कि हम कर्म करें, क्योंकि कर्म करना हमारा स्वभाव व व्यवस्था दोनों है। ज्ञान योग कहता है जो भी हमें कर्म करना है उसकी सर्वोत्तम विधि को पहले जानें और फिर उस सर्वोत्तम विधि के अनुसार कर्म करें। भक्ति योग कहता है जो भी हम कर्म करते हैं उसको पूर्ण समर्पण, निष्ठा व श्रद्धा के साथ करें। और ध्यान योग कहता है कि कर्म करने की हम शक्ति प्राप्त करें और वह शक्ति हमें अपने स्वयं के साथ संवाद स्थापित करके अपने स्वयं से जुड़ के प्राप्त होती है।